हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और हमारा कुछ तो बाहर जाने का मन है, तो चलो चलते कहीं तो घूमने के लिए। तो चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई रेडी, चलो चलते हैं। तो यहाँ बन रही नितीश के लिए गुड़ वाली चाय। मेरा मिला नहीं बाबू ना। वेलकम। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं आ गई थी केसरसाई डैम। ये डैम बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेस है। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं वेट कर रही थी मेरी मैगी और गरम गरम पकोड़े का। तो मेरी मैगी तो आ चुकी है और ये मैगी बहुत यम थी। इसमें उन्होंने एक अलग ही कोई तो मसाला ऐड किया था, जिससे वो उसका टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग मस्त मैगी के मज़े ले रहे थे गरम गरम। ये मैगी सच में बहुत डिलीशियस थी। हम लोग ना पूरे वीक में सिर्फ वीकेंड का ही वेट करते कि कब वीकेंड आए और हम कब घूमने जाए एक नई जगह पे। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यार, बहुत मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में। आप में से जो लोग पुणे में रहते हो ना, और आपने अगर ये प्लेस विज़िट नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिए। ये प्लेस अमेजिंग है, एकदम शांति पीस। आप परेशान हो तो यहाँ आके बैठ जाओ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वाह, चलो मेरे पकोड़े भी आ गए मिर्ची के साथ। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आराम से बैठ के बस इतना टेस्टी पकौड़ा खा रही हूँ, रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप अगर नेचर लवर हो ना, तो आपको ये प्लेस तो पक्का बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो ये खाते रहूँगी। तो चलो मैं आपको ना सामने का व्यू दिखाती हूँ। आप देख रहे हो ना कितना सुंदर लग रहा है सामने ये पहाड़ और ये डैम। इट्स सो रिलैक्सिंग और पीसफुल। यह है केसरसाई का वन ऑफ द बेस्ट कैफे के रॉक्स। यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ हमेशा लाइव म्यूजिक चलते रहता है। हम तो संडे को आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। अब देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है इस कैफे से। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और आप यहाँ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इट्स गुड फॉर फैमिली, फॉर योर पार्टनर। बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ की जो ब्यूटी है ना, वो आपको अट्रैक्ट करेगी। यहाँ जो पीसफुलनेस है, जो शांति है, वो आपको सच में बहुत अट्रैक्ट करेगी। इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ ये ऐसे यूनिक चीज़ें भी बनी हुई है, लाइक स्कूटर और ऐसे टायर से कुछ सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा है यहाँ। और यहाँ आपको आप बोटिंग भी कर सकते हो, जैसे स्पीड बोट पे हो गया, या फिर आप पैडल वाली जो बोट आती है जो हम खुद चलाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शंस भी है आपके पास, और ये बहुत मज़ा आता है यहाँ बोटिंग के लिए भी। जैसे ही सूरज निकलता है ना, तो यहाँ का मौसम हीरे जैसा हो जाता है, और यहाँ का सनसेट देखना तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। आप बोटिंग करते करते भी देख सकते हो, अगर आप उस टाइम पे जा रहे हो तो आपको शाम के टाइम भी आप बोटिंग कर सकते हो, तो आपको सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ टेंट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको नाइट में अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड करनी है, तो वो भी अवेलेबल है। यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, अभी क्रिसमस आ रहा है तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया ही देखने मिलता है, बट बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बोटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया यहाँ। Thank you.
चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के लाइव म्यूज़िक की तरफ। यहाँ का लाइव म्यूज़िक अलग ही चार चांद लगा देता है इस जगह पर। बहुत अच्छा लगता है लाइव म्यूज़िक सुनना मुझे तो। अगर किसी का बर्थडे हुआ तो वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, आप देख सकते हो अलग है हैप्पी बर्थडे। और अगर किसी को गाना है ऑडियंस में से तो वो भी वहाँ जाके गा सकता है। यहाँ वो डांस कर रहे थे बॉयज लोग और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, तो देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था एक्चुअली। कुछ लोग कहेंगे ना कर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ चुरा दूँ होश। अभी विंटर शुरू हो गया है तो यहाँ बॉन फायर भी था। अगर आपको ऐसे बैठना हो उसके पास तो मस्त बेंचेस लगे हुए थे, और ठंड में बॉन फायर का तो अलग ही मज़ा आता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो यहाँ एंड करते हैं। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।